ज़्यादा बैटरी की, मैं बैटरी की तो मैं क्या ही बात करूँ, 40 hours की बैटरी लाइफ इसकी मैंने आज तक किसी भी हेडसेट पे नहीं देखा अभी तक। इतने कम प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा फीचर दे रही है बोट, काफ़ी ऑसम वॉइस क्वालिटी कॉल पे और रिकॉर्डिंग पे, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों ईयर्स में, काफ़ी अच्छे मतलब लुक्स हैं। 10 मिनट चार्ज, 10 आवर टॉक टाइम, 10 मिनट चार्ज करके आप इसे 10 घंटे तक यूज़ कर। तो गाइस हियर इज द बोट रॉकर 255 Pro Plus, मतलब यार क्या बताऊँ, इस प्राइस रेंज में इतनी स्पेसिफिकेशन और इतनी सारी फीचर्स मैंने आज तक नहीं देखे हैं। और इसकी प्राइस 1500 के अंदर है, मतलब मैंने खरीदा सेल में खरीदा तो मुझे काफ़ी चीप पड़ा, काफ़ी सस्ता पड़ गया, मुझे 1100 का पड़ा सेल में, लेकिन अभी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। एंड गाइस द मोस्ट बेस्ट थिंग इसके बारे में, इसकी बैटरी लाइफ है 40 आर्स, मतलब ये 40 घंटे चलता है। एंड लिटरली गाइस मैंने इसको यूज कर रहा मैं 2 दिन से, एंड हाँ लगता है ये 40 घंटे चल जाएगा। मैंने इसे 2 दिन लगातार यूज किया है एंड ऑलमोस्ट 15 आर्स मैंने यूज किया है। मैंने कॉल पे यूज किया है, सॉन्ग सुने हैं लो 50% वॉल्यूम पे, लो एकदम लो करके, एकदम हाई करके, एंड इसकी सिर्फ 40% बैटरी ख़त्म हुई है एंड अभी इसमें 60% बैटरी है। तो चलिए फटाक से अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं अंदर क्या है और इसके और फीचर्स के बारे में बात करें। इसका बॉक्स काफ़ी मतलब छोटा सा बॉक्स है, कुछ है नहीं खास। एंड ये पुरानी कंपनी ने क्या दिया, एंड ये इसका बिल, इसका बिल भी आपको साथ में मिलेगा, इसे साइड कर देते हैं। एंड गाइस इधर पैकेट, ये एक स्टिकर मिला है, इसको बाद में देखेंगे, वारंटी कार्ड। गाइस अब बात करें बोट की, तो बोट इकलौती ऐसी कंपनी मुझे लगती है जो कि इंडिया की है, जो देती है आपको 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, मतलब आप 1 साल के अंदर ही आपका कभी भी इसके अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या इंटरनल डिफेक्ट आता है तो ये आपका रिप्लेस हो जाता है गाइस। एंड मैं बता रहा हूँ कि मतलब इतनी अच्छी सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी है, काफ़ी अच्छी सर्विस इसकी है। एंड एक और ख़ासियत, अगर आप सर्विस सेंटर से दूर हैं तो ये आपको देती है डोर स्टेप सर्विस, मतलब ये आपके घर पे आएगा, रिप्लेसमेंट का सारा प्रोसीजर होगा, आपके घर पे डिलीवरी करके जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के अंदर अंदर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये है इसका रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही बाई करोगे रजिस्ट्रेशन आउट हो या ना हो वारंटी स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस इसके साथ आपको मिलता है एक टाइप सी केबल, मतलब कि जैसा कि अब माइक्रो यूएसबी का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है मार्केट में, ज़्यादातर फ़ोन टाइप सी वाले ही आ रहे हैं, तो कंपनी ने भी कुछ नया ट्राई किया है, नया क्या मतलब रिलायबिलिटी के लिए, ताकि किसी को भी चार्जिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसमें टाइप सी केबल मिली है। एंड अच्छी क्वालिटी केबल, आप चाहो तो फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक के साथ आप यूज कर सकते हो इसको, चाहो अगर आप एक छोटा सा केबल, जैसे कि चार्जर के साथ बड़े बड़े केबल आते हैं तो पावर बैंक के साथ उसे ले जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, पोर्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए देखा जाए तो ये मल्टी यूजेबल है, मतलब मल्टीपर्पज़ हो गया, आप इसे अपना हेडसेट चार्ज करो, फ़ोन चार्ज करो, जितने भी टाइप सी वाले आपके इक्विपमेंट या जितने भी एक्सेसरीज हैं सब चार्ज कर सकते हो इससे, तो ये अच्छी बात लगी मुझे। एंड काफ़ी अच्छी लेंथ है, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 सेंटीमीटर लगभग है, लगभग 30 सेंटीमीटर है या 25 सेंटीमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी है। एंड इसके साथ आपको मिलते हैं 2 ईयर टिप्स एक्स्ट्रा, मैंने स्मॉल वाले लगाए थे तो उसमें मीडियम और लार्ज रखे हैं, और ये छोटा सा बुकलेट है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको साइड में करेंगे। अब आते गाइस मेन हेडसेट पे, गाइस तो ये रहा आपका मेन हेडसेट। एंड गाइस इसका मतलब ये मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, मतलब बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है इसकी साउंड में, इसमें जो वायर की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब गाइस प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन फिर भी। एंड इसके साथ आपको मिलती है IPX7 की वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, मतलब IPX7 आप लोग को अगर पता होगा तो जानते होंगे, ये मतलब एक चेक होता है, मतलब कि आपका जो भी एक्सेसरी है वो कितना अच्छा वाटर प्रूफिंग है इसमें, तो इसमें IPX7 की रेटिंग है, मतलब कि अच्छी खासी वाटर प्रूफिंग की गई है, अगर आपका ये बाई मिस्टेक पानी में गिर भी जाता है तो भी इसे कुछ भी नहीं होगा। एंड गाइस इसकी मतलब मुझे एक बात पे ना काफ़ी मतलब शॉकिंग सा लग रहा है, 40 घंटे बैटरी लाइफ, एंड रियलिटी में भी गाइस ये मतलब 40 घंटे चलेगा, क्योंकि मैंने इसे
15 घंटे यूज किया नहीं है, 40% ही खत्म हुआ है एंड अभी 60% बाकी है। तो अगर मैं डबल भी करके देखूँ तो यार काफ़ी अभी चल जाएगा 40 आवर्स तो नहीं, कंपनी क्लेम करती है कि 50% अगर वॉल्यूम रहेगा तो ये टॉकिंग पे और म्यूज़िक पे दोनों में 40 आवर्स चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए रियल लाइफ में तो 50% पे तो कोई नहीं यूज करता, लेकिन अगर देखें तो मैक्सिमम 34 to 35 आवर्स तक तो ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि जितना मैंने इसे यूज किया उस हिसाब से लग रहा है कि ये 35 आवर्स तक तो चल जाएगा मेरे यूजेज के हिसाब से। एंड गाइस इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि देख सकते हो इसमें टिप है, ईयरबड है एंड ये आपका एक होल्डिंग के लिए, जैसे ये यहाँ पे आपके जो इसमें डिज़ाइन है इसमें ये अच्छे से पकड़ लेता तो ये गिरेगा नहीं। एंड गाइस इसका मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड डिज़ाइन की बात करें गाइस तो ये जैसा कि आपको दोनों ईयरबड पे आपको मिलती है बोट की लोगो, बोट की ब्रांडिंग आपको दोनों पे मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा है। एंड एल्यूमिनियम शेल है गाइस, एल्यूमिनियम शेल होने का एडवांटेज ये है कि जितने भी ईयरफोन में मेटेलिक शेल होती है उसकी बेस काफ़ी अच्छी और पंपी होती है। तो गाइस बैकग्राउंड चेंज कर रहे थे, काफ़ी टाइम से बैठे थे, मैंने सोचा बैकग्राउंड चेंज कर दें ताकि आपको अच्छा लगे। एंड गाइस मैं कहाँ था, हाँ इसकी कॉल क्वालिटी, तो इसमें आपको मिलती है CVC यानी क्लियर वॉइस कैप्चरिंग फीचर, जो कि आपको देती है काफ़ी ऑसम वॉइस क्वालिटी कॉल पे और रिकॉर्डिंग पे, मतलब आपको इसे बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगा। एंड गाइस मुझे इसमें बस एक ही प्रॉब्लम लगी, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है बट ना इसके ईयरबड जो है मतलब ईयर टिप्स जो सिलिकॉन टिप्स होते हैं, वैसे ये देखा जाए तो बोट के ज़्यादातर प्रोडक्ट में जितने भी इन ईयर मतलब ईयरफोन्स होते हैं उन सब में है, क्योंकि बोट के जो ईयर टिप्स होते हैं ना वो काफ़ी मोटे मतलब काफ़ी थिक होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर ब्रांड्स, जैसे MI हो गया, MI का जो ईयर टिप होता है वो काफ़ी पतले मतलब मटेरियल से बनाते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल जैसे मतलब एक घंटे दो घंटे यूज करने के बाद इसे एक बार निकालना पड़ता है, जैसे मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा मतलब ये जो साइड में है ये रिंग वाला पोर्शन ये तो मैं नहीं यूज़ करता कभी, ये गुदगुदी सी लगती है मतलब थोड़ा सा गुदगुदी सा लग रहा है कान में, तो इसको निकाल सकते हो आप चाहो तो। ये रिमूवेबल है क्योंकि ये भी रबड़ का है, ये इसमें सिर्फ टिकाया गया, इसे भी आप रिमूव कर सकते हो एंड गाइस जैसा कि देख सकते हो लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों ईयर्स में, काफ़ी अच्छे मतलब लुक्स हैं। एंड मैं कुछ अच्छे खासे फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा इन ईयरफोन्स के साथ एंड इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जाके वहाँ पे भी फॉलो कर लो। एंड ASAP चार्जिंग, 10 मिनट चार्ज, 10 आवर टॉक टाइम, 10 मिनट चार्ज करके आप इसे 10 घंटे तक यूज़ कर सकते हो गाइस, वो भी काफ़ी मुझे एक्सट्रीम और नेक्स्ट लेवल से लगा, क्योंकि इतने कम प्राइस रेंज में इतनी ज़्यादा फीचर दे रही है बोट की, मैं क्या ही बात करूँ अब इसकी, सो हैट्स ऑफ टू बोट एक बार। एंड गाइस आप CVC हो गया, ASAP हो गया, क्वालकॉम की मिलती है APTX सपोर्ट, एक तरह से ऑडियो फिल्टरिंग जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को बना देता है एक और ऑसम चीज़ मतलब नेक्स्ट लेवल, आपके नॉर्मल ऑडियो क्वालिटी को भी वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, तो सॉन्ग सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड अगर आप एक बेस लवर हो, सॉन्ग लवर हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए गाइस, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी, इतना अच्छा बेस, इतने अच्छे लुक्स और इतने सारे फीचर और इतनी ज़्यादा बैटरी कि मैं बैटरी की तो मैं क्या ही बात करूँ, 40 आवर्स की बैटरी लाइफ इसकी मैंने आज तक किसी भी हेडसेट पे नहीं देखा अभी तक जितने मैंने यूज किए हैं। OnePlus देखा है मैंने, सैमसंग आया था कि मैंने लोकल तक भी यूज किए हैं, इतनी ज़्यादा बैटरी बैकअप मैंने आज तक नहीं देखी गाइस, तो मुझे काफ़ी ऑसम लगा ये। तो इसके लिए भी एक बार फिर से हैट्स ऑफ टू बोट, थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस मच फीचर इन अ सिंगल ईयरफोन। एंड गाइस बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं इसके, ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीदोगे तो अभी तो सेल नहीं है, लेकिन सेल में काफ़ी सस्ते मिल रहे थे सारे प्रोडक्ट, फ्रीडम सेल चल रहा था, काफ़ी सस्ते थे तो मैंने काफ़ी चीप प्राइस में खरीदा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मैंने जुगाड़ करके कैसे भी डिस्काउंट का पता किया, तो मेरे लिंक से अगर आप खरीदोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट, आप जितने प्रोडक्ट खरीदोगे सब पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा गाइस। एंड अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हो तो Amazon से भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड Amazon पे ऑलरेडी इसकी प्राइस 100 रुपीज़ लगभग कम की है ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी सेलर है या फिर बोट नहीं जैसे भी, लेकिन Amazon पे इसकी प्राइस कम है, तो Amazon से खरीदना चाहो तो Amazon से ही खरीदो गाइस, अच्छी सर्विस देता है। एंड इसकी वारंटी की बात करें, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, 1 साल के अंदर अगर ये कभी भी ख़राब होता है तो ये रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी आपके घर पे, अगर आपके घर सर्विस सेंटर दूर है, आपकी आपके एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है, तो ये आपको देगा डोर स्टेप रिप्लेसमेंट सर्विस आपके यहाँ आकर।
तो गाइस ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। भैया बारिश स्टार्ट हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये IPX7 की रेटिंग है, तो पानी में गिर जाए या पानी भर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसे भी चल जाएगा। तो गाइस जैसा कि मेहनत कर रहा हूँ, बारिश में भी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी बात को लाइक कर देना एक बार प्लीज़। था इसमें 40 आवर्स की एक्सट्रीम बैटरी लाइफ, ASAP चार्जिंग, 10 मिनट चार्ज एंड 10 आवर टॉक, एंड मिलती है CVC क्वालकॉम APTX की सपोर्ट, एल्यूमिनियम का शेल, साथ में ईयरबड, 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी, IPX7 की रेटिंग, वाटर रेजिस्टेंट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, काफ़ी सेफ है, बारिश में यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कि आपको ये हेडसेट अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगे आप खरीदना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में खरीदो, बोट की वेबसाइट से खरीदोगे तो 100 रुपीज़ डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड, अमेजोन से खरीदना चाहो तो अमेजोन से भी खरीद लो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, उसकी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट।